हर इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है और कोई इंसान दूसरे इंसान जैसा नहीं है। और ये बहुत मुश्किल बात है कि आप ये कहें कि मेरे मिजाज जैसा इंसान मुझे दुनिया में मिले तो मैं उसको अपनी जिंदगी का पार्टनर बनाऊं। अच्छा चले मैं अगला सवाल करता हूं, क्या जब किसी को शादी का पैगाम दिया जाता है, निकाह का पैगाम दिया जाता है, तो क्या उस वक्त ये देखा जाता है कि इसका मिजाज क्या है, मैं मिजाज पढ़ूं, मुझे मिजाज के मुतालिक पता चले, पूरी तरह छान फटक के मिजाज देखकर फिर आप शादी करते हैं, ऐसा होता है? शादी करते वक्त क्या देखते हैं? वो तो ठीक है, वो इस्तखारे से क्या पता चलता है? हाँ है, उसका कोई वो नहीं है। जब किसी को निकाह का पैगाम दिया जाता है या निकाह का पैगाम कबूल किया जाता है तो आमतौर पर इसकी वजह क्या होती है? सबसे पहले एक चीज शक्ल सूरत देखी जाती है। शक्ल सूरत, अच्छा उसका हसन नसब देखा जाता है। ये मार्कर कोई और लाके दे। अच्छा आप उसकी शक्ल देखते हैं, हसब नसब देखा जाता है। अच्छा उसका नसब देखते हैं, खानदान नसब आ गया, ठीक है, माल माल देखते हैं और तालीम देखते हैं और कुछ लोग दीन भी देखते हैं, ऐसे ही शादी होती है उस बुनियाद पे और टूटती किस बुनियाद पे? शक की बुनियाद पे। इन चीजों पर, हालांकि आपने शक्ल देख के शादी की शक्ल तब्दील तो नहीं हो गई, उसकी शक्ल बदल गई साल के बाद, शक्ल तो वही है। आपने नसब देख के शादी की, नसब तब्दील तो नहीं हो गया साल के बाद, दो साल के बाद नसब नहीं बदला। आपने शादी की माल देखकर, तो माल की वजह से आपने शादी की, और बाज़ुकात ये जरूरी नहीं है कि माल कम हो जाए, बाज़ुकात माल बहुत भी बढ़ जाता है लेकिन फिर भी शादी टूट जाती है। आपने शादी की तालीम देखकर, मैंने एमए पास लड़की से शादी करनी है, लड़की ने भी कहा जी कि एक एमए पास लड़का होना चाहिए, तो आपने इस बुनियाद पे शादी की लेकिन तालीम में शादी के बाद कमी तो नहीं आ गई, दीन की बुनियाद पे देख के शादी की है तो दीन तो उसके अंदर मौजूद है, दीन कोई निकल तो नहीं गया। निकाह करते वक्त इन बातों को देखते हैं और टूटते वक्त इन चीजों को देखा जाता है। किसी भी औरत की जिंदगी में जब मर्द आता है उसके शौहर के तौर पे, तो वो मर्द उसकी जिंदगी में पहली मर्तबा नहीं आया होता। किसी भी औरत की जिंदगी में मर्द पहली मर्तबा नहीं होता, उसका बाप है, बाप मर्द है कि नहीं है? उसने अपने बाप को, उसने अपनी आंख खोली, अपने बाप को देखा, अपने बाप का मिजाज देखा, अपने बाप की आदतें देखी, मेरी अम्मा मेरे वाली साहब के साथ किस तरह चल रही थी, कैसे डील कर, उसने एक मर्द अपनी जिंदगी में देखा है, पहला मर्द। फिर उसका कोई भाई है, छोटा भाई है या बड़ा भाई है, ये दूसरा मर्द है, और भाई के साथ भी घर में इंसान एक मर्द के तौर यानी देखता है कि ये एक भाई, मेरे भाई की आदतें कैसे हैं, मेरे भाई का मिजाज कैसे, ये दूसरा मर्द है जो औरत की जिंदगी में दाखिल होता है, और तीसरा मर्द शौहर के तौर पर उसकी जिंदगी में आता है। इसलिए कोई औरत ये नहीं कह सकती कि मुझे, यानी मुझे तो ये पता ही नहीं है कि मर्द जो है उसके साथ डील कैसे करते हैं, जबकि वो दो मर्द उसके घर में अल्लाह ताला ने दिए हैं। और इसी तरह किसी भी मर्द की जिंदगी में औरत पहली मर्तबा नहीं आती, ऐसा नहीं है कि उसने शादी की तो पहली औरत उसकी जिंदगी में दाखिल है। एक उसकी वालदा है, वो भी तो एक औरत है, और उस औरत को वो देखता है कि मेरी अम्मी किस तरह की आदतें हैं, किस तरह के मसाए हैं, किस तरह के जज्बाती मसाए हैं, किन बातों पर क्या चीजें हैं, तो मेरी अम्मी के क्या उसकी बहन होना है, ठीक है। तो बात पता क्या है, ये तालीम जो है ना, तालीम हमारे बेटों ने, हमारी बेटियों ने, हमारे भाइयों और बहनों ने मास्टर डिग्री की है, ग्रेजुएशन की है, लेकिन एक अच्छी बीवी किसे कहते हैं, एक अच्छा शौहर किसे कहते हैं, इसकी तालीम कहां से हासिल की है? इसकी तालीम कहीं से हासिल की है? कहां
से पता चला कि शादी के बाद जब मैं शौहर कहलाऊंगा तो वो शौहर जिंदगी गुजारेगा कैसे? आपने ये कहां से सीखा? मेरा सवाल है, कहीं से सीखा? कहां से सीखा? माँ बाप से सीखा। आपने अपने माँ बाप को देखा तो आपने कहा ठीक है जैसे मेरे माँ बाप करते हैं तो अच्छा चले मैं भी एक इस तरह का। और कहां से सीखा? कोई कुरान और हदीस में से? ठीक है ये भी सही है। और हाँ ठीक है कुरान हदीस सहाबा की जिंदगी में से। और हमें कैसे पता चला कि यानी एक इतनी बड़ी चेंज हमारी लाइफ के अंदर आने वाली है और हम एक अस्तवाजी जिंदगी में दाखिल हो रहे हैं और हमें हमने उसके बारे में आम तौर पर उसके बारे में कोई ट्रेनिंग या कोई सेशन या कोई किताब नहीं पढ़ी होती। अगर मैंने अपने अब्बा जी को देखा कि मेरे अब्बा जी मेरी वालदा पर गुस्से होते थे, गालियां देते थे, लड़ते झगड़ते थे, तो मैं भी यही काम करूं। अगर मैंने ये देखा कि मेरी अम्मा जान मेरे वाले साहब पर चढ़ाई कर दिया करती थी और उठा के बर्तन फेंक दिया करती थी और चीखा करती थी, तो मेरी अहलिया जब घर में या मेरी अहलिया ने अपनी अम्मा को ऐसे करते हुए देखा तो वो भी जब बीवी बनेगी तो वो ये हरकतें करेगी। मैं इस्लामाबाद में एक वर्कशॉप करवा रहा था तो वहां पर एक साहब कहने लगे वर्कशॉप के अंदर, कहते हैं कि मेरी शादी को 22 साल हो गए और इन 22 सालों के अंदर एक मर्तबा भी लड़ाई झगड़ा हमारा आपस के अंदर नहीं हुआ। तो मैंने पूछा जबरदस्त बात है कि 22 सालों में आप नहीं झगड़े, आखिर इसकी वजह क्या है? कहने लगे कि वजह इसकी ये है कि मैंने अपने अम्मी अब्बा को जिंदगी में लड़ते झगड़ते नहीं देखा। तो ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, लेकिन ये पॉजिटिव एस्पेक्ट हर घर में मौजूद नहीं है। हम में से ज्यादातर लोगों ने कहां से सीखा? अपने वालदैन से। और हमें यह नहीं पता कि मेरे वालिद का ये एक्ट या मेरी वालदा का ये एक्शन सही था या गलत था, हमें इस बात का नहीं पता। हम बचपन से देखते आए और हमारे अंदर वो चीज दाखिल हो जाती है और हम जब खुद इस फेज में दाखिल होते हैं तो हम उसको बाहर निकालते हैं। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक है, मैं ये समझता हूं कि हर बेटे को हर बेटी को जिसको इस रिश्ते के अंदर जुड़ना है उसको बाकायदा इस बात की ट्रेनिंग होनी चाहिए मुख्तलिफ चीजों के जरिए, मुख्तलिफ चीजों के जरिए। जैसे एक बहन ने बताया कि कुरान हदीस किताब और सुन्नत के अंदर शौहर के क्या अहकामात हैं, बीवी के क्या अहकामात हैं, सहाबा इकराम के अंदर क्या है, कहानियां हैं, किताबें हैं, अज़्दवाजी चीजों के ऊपर कोई किताबें हम पढ़ें, कोई ट्रेनिंग होनी चाहिए, कोई वर्कशॉप्स होनी चाहिए, कुछ ऐसे लोगों के साथ बैठ के। पहले देखें हमारा तो जॉइंट फैमिली सिस्टम इस वक्त काफी डिस्टर्ब है, इस वक्त बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, लेकिन जब ये बहुत स्ट्रांग हुआ करता था तो माएं अपनी बेटियों की तरबियत इस मसले में किया करती थी। माँ अपनी बेटी को समझाती थी, बेटी देख तुमने अपने अगले घर जाना है और वहां तुम्हें ऐसा होगा तो तुमने ऐसा बिहेव करना है, और उसको 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 समझाती थी कि तुमने किस तरह चीजों को बर्दाश्त करना है, उसको समझाती थी कि तुमने किस तरह घरों को काम करना है, उसको समझाती थी कि तुमने किस तरह चीजों को हैंडल करना है, मेंटेन करना है, क्या करना है, फलां करना है। आज की मां ने तो 2.5 साल की बच्ची को स्कूल में दाखिल करा दिया, 2.5 साल की बच्ची स्कूल में दाखिल हो गई है और अब ये बच्ची जो है वो पढ़ती चली जा रही है, मैट्रिक कर लिया, इंटर कर लिया, ग्रेजुएशन कर ली, और जब तक ये तालीम हासिल कर रही है, जब तक ये तालीम हासिल कर रही है तो घर में क्या माहौल बना हुआ है? माहौल ये बना हुआ है कि देखिए बेटी पढ़ रही है, इससे इसको कोई काम दुनिया का इसको ना कहा जाए, ये पढ़ रही है, पढ़ लेगी, तालीम मुकम्मल हो जाएगी तो फिर देखेंगे क्या करना है, फिर देखेंगे। और वो बच्ची इस प्रोसेस में से गुजरती ही नहीं है और गुजरे बगैर उसकी शादी हो जाती है और उसके बाद मसाइल। अब ये अगर किसी ने ग्रेजुएशन की है या किसी ने मास्टर किया है या किसी लड़की ने PhD भी कर रखी है तो वो शादी हैंडल नहीं कर सकती, उसकी तालीम का ये मौजू ही नहीं है, उसकी तालीम में कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जहां पे ये सब्जेक्ट पढ़ाया गया था, उसको ऐसा कोई सब्जेक्ट ही नहीं है।
और इसी तरह अगर मर्द ने भी तालीम हासिल कर रखी है तो वहां पर भी इस तरह का कोई सब्जेक्ट मौजूद नहीं है। ठीक है, तो मैं ये समझता हूं कि पहली बात तो ये है कि शादी से पहले इस बात की, अब चूंकि हमारे यहाँ अब एक बड़ा वेस्टर्न स्टाइल हमारे यहाँ दाखिल होता चला जा रहा है, हर आदमी मसरूफ होता चला जा रहा है, तो और ज्यादा चीजें एक फॉर्मल एजुकेशन के ऊपर चली गई हैं, तो हमारे यहाँ इस बात की तरबियत के इदारे मौजूद होने चाहिए, या कम अज कम कोई वर्कशॉप या किताबें या इस तरह की चीजें होनी चाहिए कि जिस पर हम अपने बच्चों और बच्चियों की तरबियत अच्छे तरीके से करें और हम आम को ये समझाएं और ये बताएं कि दुनिया के हर इंसान का मिजाज दूसरे इंसान से मुख्तलिफ होता है और मुख्तलिफ मिजाज के इंसान के साथ जिंदगी गुजारी जा सकती है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसका मिजाज मुख्तलिफ हो उसके साथ जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती, ये मुमकिन है, लेकिन ये तब मुमकिन है, इसके लिए पर्सनल डेवलपमेंट होना जरूरी है। मुझे बताइए, हमारी तालीम का ये हिस्सा है कि अगर मुझे गुस्सा आए तो मुझे अपने गुस्से को कंट्रोल कैसे करना है, मुझे अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोई तरबियत है कि मैं अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकूं, गुस्सा कंट्रोल होता कैसे है, क्या मुझे पता होता है कि मुझे इस वक्त गुस्सा आ गया है? और आपको पता है कि जब किसी इंसान को गुस्सा आता है तो उस वक्त उसका दिमाग क्या होता है, काम करना बंद कर देता है, शट डाउन हो जाता है, और उस वक्त की गई बातें, उस वक्त किए गए अमल इंसान को नहीं पता होता कि मैं क्या कर रहा हूं, उसका फैसला दुरुस्त नहीं होता। लेकिन हमें ये, हमने पहली बात तो कि हमें ये पता ही नहीं होता कि मैं इस वक्त गुस्से में हूं। अपने मिजाज को जानना, अपने मिजाज को पहचानना, हम हमेशा ये कहते हैं कि तुम मुझे समझने की कोशिश करो। मैं ये सवाल करता हूं, क्या आपने खुद अपने आप को समझ लिया, क्या आपने खुद अपने आप को समझा है कि आपको गुस्सा कब आता है, आप पे मुख्तलिफ किस्म के इमोशन जज्बात क्या तारी होते हैं? देखिए मैं आपको बताऊं, जो इंसान अपने आप को नहीं समझता ना, उसके लिए बहुत मुश्किल है कि वो किसी दूसरे इंसान को समझ सके। दूसरे को समझने के लिए ये जरूरी है कि इंसान अपने आप को समझे। अपने आप को कैसे समझ सकते हैं, मिसाल के तौर पे, क्या ये मुझे पता है कि मेरे अंदर कमजोरियां कौन कौन सी हैं? हर इंसान में कमजोरियां हैं कि नहीं है? अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप सब लोग अपनी 10-10 कमजोरियां लिखें, अपनी 10-10 कमजोरियां लिखें कि मेरे अंदर ये कमजोरी है, ये कमजोरी है, ये कमजोरी है, और फिर मैं ये कहूं कि अपनी 10 खूबियां लिखें कि मेरे अंदर ये 10 खूबियां हैं। हर इंसान को अपनी खूबियों का पता होना, अपनी कमजोरियों का पता होना इसलिए जरूरी है। किस लिए जरूरी है, आपका ख्याल है किस लिए जरूरी है? अच्छी जिंदगी के लिए, अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए, चीजों का पता होने के लिए। क्यों जरूरी है? हाँ नहीं, क्या होगा अगर मुझे अपनी खूबियों का भी पता है और अच्छी तरह पता है कि मेरे अंदर ये खूबी है, और मुझे अपनी कमजोरी का भी पता है कि मेरे अंदर ये कमजोरी है और मैं जानता हूं और मुझे पता होता है कि इस वक्त ये कमजोरी आ गई मेरे अंदर, इसका फायदा क्या होगा? अपनी है? अपनी इस्लाह में कैसे इस्लाह करेगा? उसको ये पता होगा कि ये मेरे वीक पॉइंट है और अपने वीक पॉइंट को मैंने किस तरह, अपने वीक पॉइंट से नुकसान मैंने अपने आप को कम पहुंचाना है और किसी दूसरे इंसान को भी नुकसान कम पहुंचाना है, और ये मैं कोशिश करूं कि मैं अपने वीक पॉइंट को इंप्रूव कर सकूं। एक बात, अगर मुझे अपनी स्ट्रेंथ का पता है तो मुझे पता है कि अगर मैं किसी प्रॉब्लम के अंदर फंस गया हूं तो उस वक्त मुझे अपनी कौन सी स्ट्रेंथ निकाल के उसको प्रॉब्लम में से अपने आप को निकालना है। हमने से अक्सर लोगों को अपनी खूबियों का नहीं पता और वो अपनी उन स्ट्रेंथ्स को, अपनी खूबियों को जब मसला पेश आता है तो वो हल नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, हालांकि उनके अंदर ये मौजूद होती है लेकिन वो ये जानते नहीं। एक आदमी के पास हथियार मौजूद है लेकिन उसको पता ही नहीं है कि उसके पास एक हथियार मौजूद है, वो अपना दिफा कर सकता है। एक आदमी को पता है कि मेरा ये वीक पॉइंट है, मुझे ये वीक पॉइंट किसी को देना नहीं है। अपने आप को जानना ये जरूरी है दूसरों को जानने से पहले कि हम दूसरों को जाने। ठीक है,
तो ये एक वीक पॉइंट है, यानी हम क्या हमने से क्या हमने इस बात की तरबियत ली है कि अपनी कुव्वत बर्दाश्त को किस तरह मैं ज्यादा से ज्यादा इजाफा करूं, किस तरह ज्यादा से ज्यादा मैं अपने अंदर तहम्मुल पैदा करूं, किस तरह मैं ज्यादा चीजों को टॉलरेट कर सकूं, इसकी ट्रेनिंग मैंने हासिल की है और क्या मुझे करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो शक जो है ना, ये शक एक ऐसी बीमारी है जो दुनिया में हर ताल्लुकात को खत्म करने में जिसका एक बड़ा किरदार है। आप किसी से ताल्लुकात खत्म करना चाहते हो, बिगाड़ना चाहते हो, आप शक करना शुरू कर दें। आप अपने बच्चों पे शक करना शुरू कर दें, आपके बच्चे आपसे दूर होना शुरू हो जाएंगे। आपको पता है कि आजकल बच्चे अपने वालिदैन से क्यों दूर हैं? वालिदैन शक करते हैं, बच्चे की हर बात पे शक करते हैं, बच्चे की हर चीज पर, अगर यानी हर चीज पर शक करेंगे कि ये काम तुमने किया है नहीं, ये तुमने ये तुम कर सकते हो नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते, तुम इस काबिल नहीं हो, तुम्हारे अंदर ये सलाहियत नहीं है। शक की बात करना वो बच्चों के साथ करे या अपनी बीवी के साथ या बीवी अपने शौहर के साथ करे, अगर कोई बच्चा घर में दाखिल होता है और उसकी वालिदा उसको ये कहती है सच सच बताओ तुम कहां से आ रहे हो, तो ये क्या है, इस जुमले में क्या है? शक है। और यही जुमला वो अपने शौहर को कह दे कि सच से बताओ तुम कहां से आ रहे हो, क्या होगा? हंगामा खड़ा हो जाएगा घर पे। यही जुमला वो अपने बच्चों से कहते हैं। तो ये ताल्लुकात को चीजें, इसकी तरबियत जरूरी है कि एक अज़दवाजी जिंदगी गुजारने के लिए, मैं इस पर जो आखिर में टिप्स दूंगा उसको मैं इसमें इस पर बात करूंगा इंशाल्लाह कि ये तमाम फैक्टर्स हम किस तरह, लेकिन अभी जो मैंने आपसे बात की है वो ये है कि हमने अच्छी अज़दवाजी जिंदगी गुजारने का तरीका कहां से सीखा है, हमें इस बात का इल्म होना चाहिए। और मैंने जहां से सीखा अपने वालिदैन को देखा, या बाज़ का पता क्या होता है कहां से हम सीखते हैं, अपने दफ्तर में बैठे होते हैं और दफ्तर में बैठ के गप्पे मार रहे होते हैं और कोई शख्स कहता है कि देखो मैंने अपनी बीवी को ना, मेरे घर में ये मसला खड़ा हुआ, मैंने ये तरीका इख्तियार किया और ऐसे करके मेरी बीवी सीधी हो गई। बंदा कहता है अच्छा हाँ यार मैं भी कर दूं यार, वो शाम को घर आता है वो घर में अप्लाई करना शुरू कर देता है, कहीं से दफ्तर से कहानी सुन ली और आपके घर में अप्लाई करना शुरू कर दी, या सहेलियां बैठी औरतें बैठी और मोहल्ले की औरतें बैठी हैं गप्पे लगा रही हैं और एक औरत कह रही है कि मैंने तो अपने शौहर को करने के लिए काबू करने के लिए ये करने के लिए फला, वो तो जब घर में आता ना तो मैं तो शाम को दुपट्टा बांध के सर को बैठ के हाय हाय करना शुरू कर देती और उसके बाद शौहर मेरे आगे पीछे होता है, अच्छा चलो आज मैं भी ये करती। इस तरह की फजूल किस्म की कहानियां, फजूल किस्म की बातें एक दूसरे से सुनते हैं और उसको घर में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं जिसके पीछे कोई ऑथेंटिक बात नहीं होती, ऑथेंटिक बात नहीं होती। अच्छा अल्लाह ताला ने इंसान को बेहतरीन मखलूक पैदा किया, लगत खलक ने इंसान अफी आसानी तकरीर, लेकिन यह हकीकत है कि बेहतरीन मखलूक होने के बावजूद इस इंसान के अंदर कमजोरियां मौजूद हैं। कोई मर्द यह ना समझे कि मेरे अंदर कमजोरी नहीं, और कोई औरत यह ना समझे कि मेरे अंदर कमजोरी नहीं है। हर इंसान के अंदर ये वीकनेसेस मौजूद हैं, भले वो दीनदार आदमी है, इस्लामिक माइंडेड मौजूद है, दीन पर पूरा अमल करता है, लेकिन अल्लाह ताला ने कमजोरियों के साथ इंसान को पैदा किया, ये एक हकीकत बात है और हमें इसको तस्लीम करना चाहिए। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि मेरा सवाल है आप लोगों से
पहले मर्दों से करता हूँ फिर खवातीन से करूंगा, जवाब देना चाहें दें। मेरा सवाल यह है कि ये बताएं कि कौन सा काम आपकी बीवी करे तो आपको लगता है कि ये मेरी बीवी है? जी बताएं जी, सवाल मेरे समझ आ गए? कोई जवाब दे लो। नहीं, जवाब जरूरी होंदा हर एक दा, कुछ सवाल ते टालन वाले होंदे ने। अच्छा ठीक है, कोई ऐसा जवाब दे जो मजलिस में दिया जा सकता हो, लेकिन दिया जा सकता है क्योंकि हम एक चीज सीखने के लिए बैठे हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि आपने गाड़ी का ड्राइवर रखना है अपनी गाड़ी का, तो आप क्या देखना चाहेंगे कि मेरे गाड़ी का ड्राइवर जो है ना, यानी किस तरह आप कहेंगे कि हाँ ये मेरी गाड़ी का ड्राइवर है, इसके किस अमल से पता चलता है? ठीक है, तो तब आपको फील होगा ये मेरी बीवी है। आपने फरमाया कि वो आपके कपड़े इस्त्री करके अच्छा नाश्ता करवा के और आपको गेट तक छोड़ने के लिए अच्छे तरीके से आए, तो तब आपको ये फील होता है। हाँ, तो यही बात मैंने आपसे पूछी, आपको कब फील होता है कि ये मेरी बीवी? ये पूछे वो ऐसी, इसमें कौन सा ऐसा सीक्रेट है जो आप यहाँ खोलना नहीं चाह रहे? अगर वो घर का पूरा कंट्रोल संभाले, आप समेत या आपके अलावा? अच्छा, कोई और बताएं जिससे पता चले कि मेरी बीवी का ये रोल जो है ना, इस रोल, ये रोल अगर करेगी तो वो मेरी बीवी है, अगर वो ये रोल नहीं करती तो मेरी बीवी नहीं है। अच्छा, तो वो बीवी है, ना करे तो बीवी नहीं है। अच्छा, ये हमारे कल्चर में है एक्चुअली, हमारे हिंदुस्तान के पाकिस्तान के कल्चर में ऐसा है कि बीवी जो है ना वो माँ बाप की खिदमत करे, ये हमारे कल्चर का पार्ट है एक्चुअली, हमारे दीन का पार्ट ये नहीं है। ऐसा 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 है ना कि बहुत सारी चीजें हमारे कल्चर में है, दीन में नहीं है, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो दीन में मौजूद है हमारे कल्चर में नहीं आ रही। ये भी हमारे कल्चर का हिस्सा है कि मेरे वालदैन की खिदमत करे, अगर वो मेरे वालदैन की खिदमत नहीं करती तो बस वो मेरी बीवी, मैं उसको कैसे समझूं? ठीक है, वो देखिए उसमें नहीं कर रहे, लेकिन ये उसका एहसान है, ये उसका अच्छा अखलाक है, ये उसके फराइज में शामिल है कि नहीं है और होना चाहिए, ये कहता एक, हम इस मसले में नहीं पड़ रहे। अच्छा चले, और बताएं जी। ठीक है, तो फिर पता चलेगा कि वो बीवी है। ठीक है, और बताएं, कोई खवातीन में से शेयर करना चाहेगा, किसी ने करना है? जी यहां बताएं जी। बहुत सारे मियां बीवी ऐसे हैं, रूममेट समझते हैं, रूममेट किसे कहते हैं, एक ही कमरे में रहने वाले लोगों को रूममेट कहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ इस तरह गुजर रही है कि वो एक कमरे में रहते हैं लेकिन
बस उनकी जिंदगी ऐसे ही है जैसे दो अफराद किसी एक कमरे में जिंदगी गुजारते हैं, इससे ज्यादा उनकी जिंदगी नहीं है। एक अगर मैं ये कहूं कि और उसकी वजह क्या होती है, उसकी वजह ये होती है कि मियां और बीवी के मुश्तरका इंटरेस्ट नहीं होते। बीवी का इंटरेस्ट किसी और चीज में है, शोहर का इंटरेस्ट किसी और चीज के अंदर है। और उसकी वजह यह होती है कि दोनों की खुशियां एक जैसी नहीं है। शोहर किसी और बात पे खुश होता है, बीवी किसी और बात पे खुश होती है, दोनों की खुशियों की वजह एक नहीं। और उसकी वजह यह होती है कि दोनों का विजन एक नहीं है। विजन से मुराद दोनों का ख्वाब एक जैसा नहीं है। शोहर कुछ और ख्वाब देखता है, बीवी कुछ और ख्वाब देखती है, दोनों के ख्वाब एक जैसे नहीं है। शोहर आखिरत में कामयाब होना चाह रहा है, बीवी जिंदगी में कामयाब होना चाह रही है, दोनों का कॉमन विजन नहीं है। और इस वजह से ही ऐसा होता है कि दोनों के जो कंसर्न्स हैं, यानी दोनों के जो मामलात हैं वो एक जैसे नहीं है। कि इसका कंसर्न किसी और चीज पे है, बीवी का कंसर्न किसी और चीज के ऊपर है, सेम कंसर्न के साथ चीजें नहीं। ये मियां बीवी 20 साल एक कमरे में गुजार देंगे, एक घर में गुजार देंगे, और हम इसको पार्टनरशिप नहीं कहेंगे। हम इसको कहेंगे कि ठीक है, जिंदगी एक गुजर रही है, एक चल रही है, लेकिन वो जो असल एहसास के साथ जिंदगी होनी चाहिए उसके पीछे ये एक वजह है। अच्छा, अब मैं कुछ जुमले बोलता हूं आपसे। ये जुमला किस किस कौन कौन शख्स बोलता है, पहले मैं बीवियों के जुमले बोलता हूं। थोड़े से बीवियां जो जुमले बोलती हैं वो ये सोचे कि इनमें से आप में से कौन कौन खातून ये जुमला अक्सर बोलती है, फिर मैं वो जुमले बताऊंगा जो शौहर आमतौर पे अपने घर के बारे में या अपनी बीवी के बारे में या अपने बारे में बोलता है। मिसाल के तौर पर बीवी कहती है, मेरी भी कोई जिंदगी है। जो जो खवातीन ये कहती हैं, अच्छा इन जुमलों से क्या निकलेगा ये मैं बात, बल्कि आप खुद ही समझ जाएंगे इससे क्या निकल रहा है। ये जुमला मेरी भी कोई जिंदगी है, एक और जुमला खवातीन का, आपने कभी मेरी तारीफ नहीं की है ना। तीसरा जुमला, किसी को क्या पता मेरी जिंदगी में कितने मसाए हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह